नमस्ते। इस वीडियो के द्वारा आप सीखेंगे ऑफिशियल एटमी मोबाइल ऐप के द्वारा आप एटमी इंडिया का न्यू मेंबरशिप डिस्ट्रीब्यूटरशिप रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं और एटमी डिस्ट्रीब्यूटर रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रक्रिया को विस्तार से जानते हैं। प्ले स्टोर पर ऑफिशियल एटमी मोबाइल ऐप सर्च करें। ऑफिशियल एटमी मोबाइल ऐप सिलेक्ट कर उसे इंस्टॉल करें। इंस्टॉल हो जाने तक वेट करें। इंस्टॉल हो जाने के बाद उसे ओपन करें। एटमी वुड लाइक टू सेंड यू नोटिफिकेशन को एग्री कर सकते हैं। एटमी मोबाइल टू टेक पिक्चर्स एंड रिकॉर्ड वीडियो को अलाउ कर सकते हैं। एटमी मोबाइल टू एक्सेस फोटोज मीडियाज एंड फाइल्स ऑन योर डिवाइस को अलाउ कर सकते हैं। उसके बाद ओपन होने का वेट करें। अगले पेज पर ऊपर बाएं तरफ तीन लाइन नजर आएंगी, उसे क्लिक करें। एक नया बार ओपन होने पर ऊपर दाएं तरफ सेटिंग आइकन को क्लिक करें। नीचे दिए गए रीजन के सामने ड्रॉप डाउन मेन्यू को क्लिक करें। स्क्रॉल कर इंडिया को सिलेक्ट करें। अब एप्लीकेशन रीस्टार्ट के बारे में नोटिफिकेशन को ओके करें। एप्लीकेशन रीस्टार्ट हो जाएगा। ऐप रीस्टार्ट हो जाने के बाद आप ऊपर बाईं तरफ नजर आ रही तीन लाइंस पर क्लिक करें और साइड बार खुलने पर आप कंपनी के प्रोफाइल के बारे में जान सकते हैं। अबाउट अस पर आप कंपनी का ओवरव्यू, कंपनी विजन, कंपनी फिलॉसफी, कंपनी फाउंडेशन और मोटो के बारे में जान सकते हैं। मैनेजमेंट इन्फो पर क्लिक करके आप कंपनी मैनेजमेंट के बारे में जान सकते हैं। द बिजनेस पर क्लिक करके आप कंपनी के डायरेक्ट सेलर एग्रीमेंट को रीड कर सकते हैं। कोड ऑफ एथिक्स एंड प्रिंसिपल्स को रीड कर सकते हैं। पॉलिसीज एंड प्रोसीजर को रीड कर सकते हैं। कॉम्पेंसेशन प्लान की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। एटमी के सेमिनार्स की जानकारी ले सकते हैं। हेल्प पर क्लिक करके आप कंपनी के हेल्प सेंटर के कॉन्टैक्ट डिटेल्स, कंप्लेंट्स या सजेशंस दे सकते हैं। मोबाइल ऐप पर ऊपर दिए गए ज्वाइन अस ऑप्शन पर क्लिक करें। इसके बाद स्पॉन्सर का एटमी डिस्ट्रीब्यूटर नंबर जो कि मेंबर आईडी है और गेस्ट पासवर्ड को एंटर करें और लॉगिन पर क्लिक करें। अगले पेज पर अपने पासवर्ड को रीवेरीफाई करें और ओके पर क्लिक करें। ऑथेंटिकेशन के लिए ओके पर क्लिक करें। अगले पेज पर आपको डिस्ट्रीब्यूटर इंडिविजुअल टैब दिखाई देगा और रजिस्ट्रेशन को शुरू करने के लिए उसे क्लिक करें। इसके बाद आप अगले पेज पर आ जाएंगे। यहाँ एटमी ओरिएंटेशन वीडियो में आप कंपनी इंट्रोडक्शन और कॉम्पेंसेशन प्लान की वीडियोस को ध्यान से देखें। स्क्रॉल डाउन करें, उसके बाद डायरेक्ट सेलर एग्रीमेंट को पढ़ें। इसके बाद आई एग्री टैब को क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद कोड ऑफ एथिक्स एंड प्रिंसिपल को ध्यान से पढ़ें। इसके बाद आई एग्री टैब को क्लिक कर सकते हैं। अब आप पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स को ध्यान से पढ़ें। इसके बाद आई एग्री टैब को क्लिक कर सकते हैं। कॉम्पेंसेशन प्लान को पढ़ें। इसके बाद आई एग्री टैब को क्लिक कर सकते हैं। एटमी इंडिया डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए और टर्म्स एंड कंडीशन की कंसेंट के लिए दिखाए गए आई एग्री टैब को क्लिक कर सकते हैं। आगे बढ़ने के लिए कंफर्म पर क्लिक करें। अगले पेज पर अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को भरें जो कि रजिस्ट्रेशन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ये रजिस्ट्रेशन केवल भारतीय सिटीजन और रेसिडेंट के लिए है, इसलिए नेशनैलिटी कॉलम में इंडियन नेशनैलिटी सिलेक्टेड है। इसके बाद मेल और फीमेल में से अपना जेंडर सिलेक्ट करें। अब आप एप्लीकेंट की डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करें। उदाहरण के लिए भारत के इंडिपेंडेंस डे को दर्शाया गया है। अब आप
6 डिजिट के पासवर्ड को सेट करें जो कि अल्फा न्यूमेरिक और स्पेशल कैरेक्टर के कॉम्बिनेशन में होना चाहिए। इसी पासवर्ड को अगले बॉक्स में फिर से एंटर करें। इसके बाद 4 डिजिट का गेस्ट पासवर्ड सेट करें। अब आप टेलीफोन नंबर को सिटी कोड के साथ एंटर करें। डेमोंस्ट्रेशन के लिए हमने एटमी इंडिया के कस्टमर सपोर्ट सेंटर का नंबर दर्शाया है। फिर 10 अंकों का एप्लीकेंट का इंडियन मोबाइल नंबर एंटर करें। अब अगले 2 बॉक्सेस में एप्लीकेंट का पूरा एड्रेस एंटर करें। उदाहरण के लिए हमने यहाँ पर एटमी इंडिया के गुरुग्राम कॉरपोरेट ऑफिस का एड्रेस दर्शाया हुआ है। इसके बाद पिन कोड को एंटर करने के लिए सर्च टैब पर क्लिक करें और न्यू विंडो पॉपअप हो जाएगी और 6 डिजिट का पिन कोड एंटर करें और सर्च पर क्लिक करें। अब आप पिन कोड के साथ सिटी, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट पर क्लिक करें और इससे सारी डिटेल्स अगले बॉक्सेस में अपने आप फिल हो जाएंगी। आप अपना ईमेल आईडी एंटर करें और डोमेन को सिलेक्ट करें। अगर आपका डोमेन यहाँ पर नहीं है तो टू इनपुट को चेक करें और अपना डोमेन टाइप करें। उदाहरण के लिए हमने यहाँ पर एटमी कस्टमर केयर का ईमेल आईडी दर्शाया है। अब आप आई एग्री टू रिसीव अ कॉन्फर्मेशन ईमेल चेक बॉक्स पर क्लिक करें जिससे आपको अपने रजिस्ट्रेशन और प्रोडक्ट्स और स्पेशल ऑफर्स की जानकारी मिल सकेगी। एप्लीकेंट के वेरिफिकेशन के लिए पैन कार्ड वेरिफिकेशन अनिवार्य है, इसलिए अगले बॉक्स में कृपया पैन कार्ड नंबर को एंटर करें और वेरिफिकेशन पर क्लिक करें। इसके बाद पॉपअप बॉक्स में ओके को क्लिक करें जिससे कि अगले बॉक्स में ऑटोमेटिकली नेम एंटर हो जाएगा। इसके बाद भी एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेप है जो कि एप्लीकेंट के एड्रेस प्रूफ वेरिफिकेशन के लिए है और इसके लिए ड्रॉप डाउन मेन्यू पर क्लिक करें और 4 डॉक्यूमेंट्स में से किसी एक को चुनें। आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस। चुने हुए डॉक्यूमेंट का नंबर अगले बॉक्स में एंटर करें। अब आप इसी डॉक्यूमेंट के फ्रंट पेज को सिलेक्ट करें और उसके बैक पेज को भी सिलेक्ट करें। डॉक्यूमेंट्स को केवल डेमोंस्ट्रेशन पर्पस के लिए दिखाया गया है। एड्रेस प्रूफ एक्नॉलेजमेंट के लिए पॉइंट नंबर 1 से 4 तक को पढ़ें और इसके बाद आप लाइंस के आगे दिए गए आई एग्री टैब को क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद स्पाउस इंफॉर्मेशन को फिल करने से पहले ध्यान दें कि लीगली मैरिड कपल्स का केवल एक ही अकाउंट होना चाहिए। अगर आप स्पाउस, हस्बैंड या वाइफ को ऐड करना चाहते हैं तो यस पर क्लिक करें और स्पाउस का नाम, पैन कार्ड नंबर और मोबाइल नंबर को एंटर करें। अगर आप स्पाउस को ऐड नहीं करना चाहते हैं या आपके लिए यह लागू नहीं होता है तो नो पर क्लिक करें। इसके बाद आप स्पॉन्सर का ADN यानी मेंबर आईडी को एंटर करें और इसके बाद कंफर्म पर क्लिक करें जिससे कि पॉपअप विंडो ओपन होगी। इसके बाद स्पॉन्सर का नेम ऑटो जनरेट होगा और आपको 2 बॉक्सेस दिखाई देंगे। कृपया ध्यान दें, अगर लेफ्ट में कोई डिस्ट्रीब्यूटर रजिस्टर है तो एप्लीकेंट का रजिस्ट्रेशन राइट में होगा और अगर दोनों साइड में कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है तो ऑटोमेटिकली लेफ्ट साइड में पहला रजिस्ट्रेशन होगा। अब आप कंफर्म पर क्लिक कर सकते हैं जिससे कि स्पॉन्सर का नाम आपको अगले बॉक्स में दिखाई देगा। इसके बाद आपको सेंटर को सिलेक्ट करने के लिए ड्रॉप डाउन बॉक्स से एटमी इंडिया को सिलेक्ट करना होगा। भविष्य में यहाँ सेंटर को सिलेक्ट करने के लिए अन्य ऑप्शंस होंगे। अब कंफर्म पर क्लिक करें। इसके बाद आपकी और आपके स्पॉन्सर की जानकारी मोबाइल स्क्रीन पर नजर आ जाएगी। उसको ठीक से पढ़ने के बाद अगर ठीक है तो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट पर क्लिक करें और अगर गलत है तो बैक पर जाकर आप मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर ठीक है तो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करें। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाएगा।